What's up guys? पनीर मखनी नानजा ये एक दूसरी वाईफल स्टाइल रेसिपी है और ये वीडियो के एंड में आप मखनी सॉस पनीर टिक्का बटर नान गार्लिक डिप और ये सब चीज़ें मिलाकर एक पनीर मखनी नानजा जो एक नान और पिज्ज़ा का फ्यूजन है ये सब कुछ सीख जाओगे आप. इट्स एन इनक्रेडिबल रेसिपी विच यू हैव टू ट्राई एट होम. लेट्स डू दिस.
नानजा अभी ओवन में बेक हो रहा है. मैंने ओटीजी ओवन में इसे बेक किया है क्योंकि मेरे पास ओटीजी ओवन है. अगर आपके पास ओटीजी ओवन नहीं है और माइक्रोवेव ओवन है तो कन्वेक्शन या ग्रिल मोड पे भी इसको पका सकते हो. अगर माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप पैन पे पका सकते हो. एकदम धीमी आंच पर पकाइए और ढककर पकाइए, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. अगर पैन पर नहीं पकाना है और थोड़े से और अच्छे टेक्सचर्स चाहिए तो एक कढ़ाई में नमक डालकर उसमें स्टैंड और थाली रखकर उसे ढक दीजिए और अच्छे से गर्म कीजिए, प्री हीट कीजिए और फिर नानजा को उसके अंदर अराउंड 10 मिनट के लिए बेक कीजिए. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. आपकी मर्ज़ी आपको कैसे पकाना है. नानजा अभी ऑलमोस्ट बेक हो चुका है तो उसको निकाल कर लेट्स प्लेट इट.